असम के कलियाबर में पुलिस ने अभियान चलाकर आधार कार्ड बनाने के फर्जी गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं अभियान के दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसकी पहचान मुख्तार हुसैन, कमरुल इस्लाम और लुत्फुर रहमान के रूप में की गई है। आरोप है कि आधार बनाने के नाम पर एक एक व्यक्ति से 1500 रुपये वसूले गए थे। पुलिस ने इस गिरोह के हवाले से नकद 11,800 रुपये, लैपटॉप, मोबाइल और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए हैं। असम के कलियाबर में पुलिस ने अभियान चलाकर आधार कार्ड बनाने वाले फर्जी गिरोह का पर्दाफाश किया है। अभियान के दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान मुख्तार हुसैन, कमरुल इस्लाम और लुत्फुर रहमान के रूप में हुई है। आपको बता दें कि इन पर आरोप है आधार कार्ड बनाने के नाम पर इन्होंने एक एक व्यक्ति से 1500 रुपये लिए थे। पुलिस ने इन गिरोह के हवाले से नकद 11,800 रुपये बरामद किए हैं, साथ ही लैपटॉप, मोबाइल और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किया गया है। गम पालों जो जुरियर पर दुजन लड़ा ही लुत्फुर रहमान घर हाथ बगान जुरियर पर लड़ा दुजन आधार कार्ड से खबर पाल खबर पा मैं गलो गई पे हाथ लोते मैं पासी चालों एजन नाम हल मुख्तार हुसैन 33 बसर, कमरुल इस्लाम 25 बसर, लुत्फुर रहमान घरते काम तो तीनजे आम हाथ लोते पाल पाई पे 11,800 टका आम जब्द कर प्लस 4 मोबाइल और लैपटॉप स्कैनार और लैपटॉप आम जब्द कर इतिम्य लिखी सोधपोछर कारण सोधपोछ कर परवर्ती व्यवस्था लगने जत्नबान थी।